Welcome to Sun Mars Education. You are in the world of Technical Zone. Enjoy and subscribe this channel. Our definition is the Archimedean spiral. हमको ये स्पाइरल बनाना है, उसका जो मैक्सिमम रेडियस है, मैक्सिमम रेडियस इज इक्वल टू 60 एंड मिनिमम रेडियस जो है वो हमारा है 20 mm. दोस्तों ये जो पूरा है स्पाइरल बनाने के लिए और उसका कॉन्वोल्यूशन हमारे पास है 1.5 कॉन्वोल्यूशन, यानी कि फाइनल हमारी डेफिनेशन है हमको बनाना आर्किमिडियन स्पाइरल, आर्किमिडियन स्पाइरल मैक्सिमम रेडियस इज इक्वल टू 60 mm, मिनिमम रेडियस इज इक्वल टू 20 mm फॉर 1.5 कॉन्वोल्यूशन. कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन. तो दोस्तों चलो हम लोग सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप आर्किमिडियन स्पाइरल कैसे बनाते हैं. सबसे पहले आप 60 का रेडियस लेके आप एक सर्कल बनाओ, उसके बाद आपकी जो मिनिमम रेडियस है 20, तो 20 का लेके आपको एक दूसरा सर्कल बनाना है. तो यहां से मैं 20 का सर्कल लेके यहां से बना रहा हूं ऐसे करके. फिर यहां पे आपको क्या करना है, आपको इसके इक्वल डिवीजन बनाने हैं. तो यहां से मैं कुछ सेट करके ये इक्वल डिवीजन बना रहा हूं. लेट्स से मेरे 1.5 कॉन्वोल्यूशन है, तो मैं इसके जो डिवीजन है मैं बनाता हूं 8. फिर आपको क्या करना है, ये सर्कल का बाइसेक्टर फाइंड करना है. तो ये सर्कल का बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने यहां से एक आर्क लगाया, यहां से मैंने एक आर्क लगाया, सिमिलरली मैंने यहां से एक आर्क लगाया और यहां से एक आर्क लगाया. ये सर्कल का बाइसेक्टर यानी कि 45 डिग्री का एंगल हुआ. अब मेरा स्पाइरल यहाँ से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले ये यहाँ पे नंबरिंग करेंगे. यहाँ से हम लोग करेंगे 1, ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7 और 8. दोस्तों ये रिवोल्यूशन में ख़त्म नहीं होता, ये होता है और भी आगे जाएगा, यानी कि ये मेरा नंबर 8 के बाद आ जाएगा 9, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 10, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 12. मतलब आप देखो यहां से मेरा स्पाइरल बनना चालू होगा ऐसे 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 करते 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 करते, फिर यहां से करेंगे तब जाके ये 1.5 रिवोल्यूशन होगा, यानी कि ये 45 डिग्रीज के 12 सेगमेंट को ट्रैवल करेगा. अब दोस्तों ये मेरा बाहरी वाला पॉइंट है मेरा स्पाइरल का, और सबसे अंदर वाला पॉइंट है मुझे स्मॉल रेडियस दी गई है, दैट इज इक्वल टू 20. अब आप यहां से ये जो मेजरमेंट है वो मेरा हो जाता है 40. अब 40 को आपको क्या करना है, 12 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है. तो 40 डिवाइडेड बाय आप 12 करोगे तो यू विल गेट 36 एंड 4 अगेन 3.3 समथिंग आपका आ रहा है, 3.33. तो फिर आप क्या करोगे, यहां से आप मार्किंग करोगे 3.33 के, वहां पे आपके 12 इक्वल डिवीजन बनेंगे. यानी कि यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको करना है 3.33, फिर यहां से आपका हो जाएगा 3.33, ऐसे करते करते आप जाओगे 3.33. ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको अच्छी तरह से ये करना पड़ेगा. आपको यहां से ये 12 इक्वल डिवीजन करना है. तो दोस्तों यहाँ पे मेरा 12 इक्वल डिवीजन हो गया, ये मेरा हो गया 1, ये मेरा हो गया 2, ये मेरा हो गया 3, यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ऐसे करके मेरे इक्वल डिवीजन्स बन गए. अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से आपको याद रखना है जितनी भी अभी आप लगाओगे वो सेंटर से आपको आर्क लगानी है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां से आप लोगे 1 नंबर तक लोगे और फिर यहां से एक आर्क लगाओ, ये 1 तक जाएगा. सिमिलरली आप जाओगे 2 नंबर से आप 2 नंबर तक का आर्क लगाओगे. सिमिलरली आपको आर्क लगाना है 3, तो 3 तक आप उसका आर्क लगाओगे.
तो देखो ये जो कर्व बन गया वो है हमारा आर्किमिडियन स्पाइरल फॉर 1.5 रिवोल्यूशन। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसमें नॉर्मल और टेंजेंट हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। ओके, इसमें हम लोग नॉर्मल और टेंजेंट किस तरह से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, मुझे यहाँ पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। ओके, यहाँ पे नॉर्मल टेंजेंट बनाने के लिए सबसे पहले वो जो लाइन मिलेगी यहाँ से मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा ऐसे। अब नॉर्मल टेंजेंट बनाने के लिए स्पाइरल में आपको एक कॉन्स्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। ये कॉन्स्टेंट फाइंड करने के लिए ये मेरा सी पॉइंट है, मैंने यहाँ पे मार्किंग किया पी सी पी, और यहाँ पे ये जो है मैंने मार्किंग किया क्यू, तो रहेगा इज इक्वल टू सी पी माइनस सी क्यू डिवाइडेड बाई पाई बाई टू इज इक्वल टू, यानी कि पाई बाई टू मैंने क्यों लिया क्योंकि ये 90 डिग्री में मैं यहां से यहां तक आया, इस दौरान मेरा इतना ही जो पाथ है वो कवर्ड हुआ, तो ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय पाई बाय टू, यानी कि ये एंगल सीपी का वैल्यू मेरा है 60 माइनस सी क्यू। दोस्तों मेरा कॉन्स्टेंट मुझे मिल गया 34.24, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कर्व है ये कर्व पे मैं कोई भी जगह पे अगर कॉन्स्टेंट फाइंड करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 4.24। मिलने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, अब हो जाएगा 53.34, मेरा CQ का ये डायमेंशन इतना रहेगा, डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू मेरा है 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू यहां पे बन जाएगा 6.66 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14 इज इक्वल टू मेरा कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। मुझे यहां पे नॉर्मल और टेंजेंट फाइंड करना है, सबसे पहला मेरा स्टेप रहेगा ये मैं ज्वाइन कर लूं, फिर मेरा यहां से परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, परपेंडिकुलर मेरा ऐसा होगा, परपेंडिकुलर जो लेंथ बनेगी ये जो मेरा वैल्यू आएगा दैट इज कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट की वैल्यू मेरी जो है वो वैल्यू मेरी मैंने अभी फाइंड किया उसका वैल्यू था 4.24, तो यहां से क्या होगा मैं यहां से 4.24 ले लूंगा, यहां से मेरा 4.24 समवेयर यहां पे आता है, उसके बाद ये पॉइंट मैंने ज्वाइन किया वो मुझे देगा नॉर्मल, और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो मुझे मिलेगी वो मेरा बन जाएगा टेंजेंट। तो दोस्तों नॉर्मल टेंजेंट बनाने के लिए फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये पॉइंट पे मुझे नॉर्मल और टेंजेंट बनाना है, यहाँ से आप सेंटर को ज्वाइन करो, उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो पर्टिकुलर लेंथ आपकी मिलेगी ये आपको ड्रॉ करना है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हमको फाइंड करने के लिए मैंने पहले बता दिया सी पी माइनस सी क्यू, यानी कि ये डायमेंशन आपको लेना है डिवाइडेड बाय ये जो एंगल है पाई बाय 2। अब है यहाँ पे 60 माइनस 53.24, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डायमेंशन है ये मेरा है 6.66, वही मैंने माइनस किया यहाँ पे, और ये माइनस यानी कि ये डायमेंशन कैसे मिला, तो यहाँ से ट्रैवल करते हुए मुझे यहाँ तक गया तो ये मुझे डायमेंशन मिल गया। तो दोस्तों उसके बाद मेरा सारा कैलकुलेशन मिल गया, फाइनली मेरा कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 4.24, फिर ये जो मेरा कॉन्स्टेंट है दैट इज इक्वल टू 4.24, ये जो पॉइंट मुझे मिल गया वहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, उसके बाद इससे जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी ये मेरा बन जाएगा टेंजेंट। तो इसी तरह दोस्तों ये जो आर्किमिडियन स्पाइरल उसका नॉर्मल और टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं। और